वीडियो में मैंने आप लोगों को तीन तरह के थ्रेड पेंटिंग दिखाए हैं। पहला थ्रेड पेंटिंग, जिसे हम खींच के डिफरेंट कलर लगा के खींच के बनाते हैं। इस पे जब हम लोग धागा रखते हैं गोल गोल करके, राउंड राउंड करके, तो जो निकालते समय धागा, इस पे बहुत कम प्रेशर डालते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने से वो खींच के अच्छा टेक्सचर नहीं देगा। इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे रोल किया जाता है। एक बार डायगनल, दूसरे बार रिवर्स डायगनल में पेंसिल में ये धागा फोल्ड करके और ये टेक्सचर दिया जाता है। थर्ड नंबर, ये हम लोगों ने देखा था किस तरह से फोल्ड किया जाता है पेपर फोल्ड करके और फिर उसमें कटिंग किया जाता है। और ये हम लोग चाहे तो इसको तीन तरह से बना सकते हैं। इसको तीन कार्बन से पेपर में पेपर में ड्रॉ करके उसके अलग अलग, जैसे अगर हमें येलो कलर करना है या रेड कलर करना है या ब्राउन कलर करना है, ग्रीन कलर करना है, हर एक का एक अलग वो बना सकते हैं। लेकिन हमने एक ही में ही तीनों का किया है, तीनों कलर किया है। तो इसमें हमने क्या किया है, जहाँ पे जो पार्ट पे कलर नहीं करना है उस पार्ट पे हमने पेपर रखे हैं और जिस पार्ट पे कलर करना है उसको खाली रखा है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इस तरह का पेंटिंग हम लोग स्पॉन्ज से भी बना सकते हैं और थ्रेड से भी बना सकते हैं और स्प्रे पेंटिंग भी बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है। इस तरह के टेक्सचर्स जो हैं, इस तरह के टेक्सचर्स हम साड़ी पे और ब्लैंकेट पे और टी शर्ट पे, अलग अलग तरीके से बेबी फ्रॉक पे हम लोग दे सकते हैं। इससे हम अच्छे, बहुत अच्छे कार्ड्स भी बना सकते हैं।